कायस्थ सामाजिक चेतना और व्यवहारिक परिचय सम्मेलन समिति की बैठक में 24 नवंबर को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कंजरी सराय मेडिकल मार्केट स्थित वंदना सक्सेना के आवास पर हुई कायस्थ महासभा की बैठक में 24 नवंबर को होने वाले 18वें व्यवहारिक परिचय सम्मेलन में ज्यादा से युवक और युवतियों के रजिस्ट्रेशन करवाने पर बल दिया गया। साथ ही पदाधिकारियों को सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। कायस्थ महासभा के अध्यक्ष श्याम कुमार भटनागर ने बताया कि कायस्थ व्यवहारिक परिचय सम्मेलन में मुरादाबाद के साथ साथ प्रदेश के अन्य नगरों से भी कायस्थ समाज के युवक और युवतियों ने भाग लिया है। उन्होंने कायस्थ समाज के लोगों से 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाने की भी अपील की। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष श्याम कुमार सक्सेना, एडवोकेट प्रदीप सक्सेना, एडवोकेट नीलू सक्सेना, आदर्श कुमार श्रीवास्तव, सुनील सक्सेना, एडवोकेट मंजुलता सक्सेना, साथ ही माया सक्सेना, विजय सिन्हा, अनुराग सक्सेना, एडवोकेट प्रबोध माथुर, एडवोकेट विजय सक्सेना, राजीव सक्सेना, शिव कुमार सक्सेना, कुलभूषण सक्सेना, गिरिराज भटनागर, डॉक्टर संजीव सक्सेना, राकेश कुमार भटनागर, राजेंद्र प्रसाद सक्सेना, आर के आर्य, सुनील कुमार सक्सेना, निर्वेश भटनागर आदि मौजूद रहे। 17वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो कायस्थों का है, उसके आयोजन के संबंध में ये सभा जो है वो आज रखी गई थी। 17 सम्मेलन हो चुके हैं, 18वां सम्मेलन 24 नवंबर को होना है, उसके संबंध में मीटिंग रखी गई थी। निर्णय लिया गया कि जो व्यवस्था है उसको बेटर कैसे किया जाए, इस संबंध में विचार किया गया। रजिस्ट्रेशन हमारे पास जो है यहाँ से अपने शहर से बाहर से और आउट ऑफ यूपी भी हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसे की जाए इसके संबंध में विचार किया गया। और हमारा ये भी हमने तय किया है कि अगर सहमति है तो मंच पे भी हम विवाह सेलिब्रेट करा सकते हैं। अगर दोनों पक्ष सहमत होंगे तब उस स्थिति में हम मंच पे भी उसका सेलिब्रेशन करा सकते हैं। समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम मंच दे रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा लें, और जिस दिन सम्मेलन होता है उस दिन उपस्थित जरूर हैं, जो विवाह योग्य हैं उनको लेके उस दिन उपस्थित जरूर हैं। उसी स्थिति में इसका लाभ मिलेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस दिन रहना ज़रूरी है। हाँ, 24 नवंबर को डेट पक्की हुई है और 15 नवंबर तक हम चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन सब लोग करा लें, जिससे मैक्सिमम नाम आ जाए। ऑन द स्पॉट जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनसे थोड़ी समस्या पैदा होती है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लें।